यूपी के बिजली कर्मियों की 72 घंटे हड़ताल के ऐलान के बाद यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सख्त तेवर में कहा है कि संविदा कर्मी अगर काम पर नहीं आते हैं तो वह कार्यमुक्त होंगे। विद्युत संगठनों से हमारी 3 दिन से बात चल रही थी, मैंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन विद्युत संगठनों ने अपनी मांग को लेकर हमारी बात नहीं सुनी। मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है, गर्मी के मौसम में जनता को विद्युत की जरूरत, ऐसे समय में हड़ताल करना ठीक नहीं है। विद्युत उपकरणों को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं, 5,000 करोड़ का बजट में भी प्रावधान किया गया है। हठकर्मी लोग बात सुनने को तैयार नहीं, जो संगठन हमारी बात को समझे उनको धन्यवाद किया गया और कई संगठनों ने हड़ताल से अलग रहने का निर्णय लिया है। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने की बात कही, ऐसे किसी हड़ताल से जनता को तकलीफ होती है एस्मा को भी हमने लागू कर दिया है और हम समझाने और बातचीत का रास्ता खोले हुए हैं, जनता को परेशानी हुई तो हम एस्मा के तहत कार्रवाई करेंगे। पिछले कई दिनों से हमारे विद्युत कर्मचारियों हम लोगों के बीच उनके संगठनों के साथ बातचीत चल रही थी। जो संघर्ष समिति है उसके साथ पिछले 3 दिन में मेरी 3 बार मीटिंग हुई लेकिन कुछ बहुत बात बन नहीं पाई। हमने उनको समझाया, प्रार्थना किया, गुजारिश किया, निवेदन किया, एक बार नहीं अनेकों बार किया कि ये गर्मी का सीजन है, मार्च का महीना है, जल्दी गर्मी शुरू हो गई है, जनता की बिजली की मांग बढ़ रही है, उनकी सुविधा के लिए विद्युत आपूर्ति बहुत आवश्यक है। दूसरा हमने ये भी कहा कि ये महीना मार्च का जो महीना होता है वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है, इस समय जो हमारा राजस्व संग्रह होता है उससे हम पूरे वर्ष अपने विकास के कार्य करते हैं, लाइन बनाने का, पोल खंभे लगाने का, और उसी पैसे से कर्मचारियों की पगार हो, बोनस हो या अन्य सुविधाएं भी हम दे पाते हैं। तो ऐसे समय में राजस्व संग्रह वाले महीने में कार्य को बाधित करना ठीक